हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो अब हम अपने एक नए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स। हालांकि हमने फार्माकोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके आपको प्लेलिस्ट में प्रॉपर मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर भी उसमें स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो थेरापेटिक्स जो सब्जेक्ट है पूरा मैं बताऊंगी सिलेबस के हिसाब से, चलो देखते हैं। और ये चैप्टर फर्स्ट आपका इसमें इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं कि ये है क्या सब्जेक्ट। हालांकि फार्माकोथेरापेटिक्स, ठीक है, इस कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि हम बेसिक नॉलेज ले सके किस पे, एटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि कोई भी जो डिजीज हो रही है, बीमारी हो रही है ना, किसी भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ भी है एक तरीके से, है ना। तो जो डिजीज का होना उसकी स्टडी करना ही क्या है, हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स है। और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट को निकालना, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हमारी इसके ऊपर चलती रहे, नए नए एडवांस ट्रीटमेंट आए, तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे पढ़ना है। सारी बीमारियों को हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे क्लिनिकली इनको ठीक किया जाएगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से, फार्माकोलॉजिकल तरीके से हम कैसे कोई भी डिजीज को ठीक करेंगे, तो वो ही हमें इसके अंदर प्रॉपर पढ़ना है। देखो चैप्टर फर्स्ट देखना है, उसके बाद जितने सारे चैप्टर्स जो देखोगे आप, उसमें सब में आपको डिजीज मिलेंगी, कैसे हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तरीके क्या हैं उनके, और कौन सी उनके केस में मेडिसिन चल रही है, तो वो सब हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर टू। इसी के अंदर सारे पार्ट्स आपके, ये पूरा फार्माकोथेरापेटिक्स जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, फार्माकोथेरापेटिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए, इसमें फार्माकोथेरापेटिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से फार्माको वर्ड जो है इसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। क्या है? ड्रग्स और मेडिसिन। फार्माको का मतलब ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग, तो ड्रग। थेरापेटिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी कि उसका इलाज या फिर हीलिंग, कैसे उसको घाव को जो है भरें। तो उसी की जो ड्रग से जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसी की स्टडी करना ही क्या है, फार्माकोथेरापेटिक्स है। तो लिखा हुआ इट मींस द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर यूज्ड, हम कैसे ड्रग का यूज कर रहे हैं डिजीज को ट्रीट करने में, डिजीज का, बीमारी का इलाज करने में, और क्या ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट है उस इलाज का, है ना, कैसे बॉडी पे उसका असर हो रहा है ड्रग का। तो ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स में। इजी डेफिनेशन है, अब इसी के ही हमें आगे देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कि इसका इंट्रोडक्शन देखा, अब स्कोप देखो और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या होते हैं। तो देखो स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, चूजिंग द राइट मेडिसिन, हमें राइट मेडिसिन, सही मेडिसिन को यूज करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है, ताकि उससे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, ये है। और इसके अलावा क्या होता है, मेक श्योर मेडिसिन आर सेफ, मेडिसिन क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ये हम फार्माकोथेरापेटिक्स के अंदर अपना स्कोप लेके चलते हैं, एम होता है हमारा, इसका उद्देश्य होता है इसको पढ़ने का, बाय रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट, श्योर करो कि मेडिसिन जो है बिल्कुल सेफ है, साइड इफेक्ट्स एकदम रिड्यूस हो चुके हैं उसमें, राइट मेडिसिन को तुमने चूज किया है। और पेशेंट को क्या करे, वो हेल्प करे पेशेंट को कि उसमें वो राइट यूज हो मेडिसिन का। हम कैसे पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बेटर, ताकि राइट यूज के साथ में। कितना इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, अंडरस्टैंडिंग समझना इसमें, हाउ मेडिसिन वर्क इन दी बॉडी, मेडिसिन कैसे वर्क कर रही है बॉडी पे ये देखना, और एरर को प्रिवेंट करना, एरर जो जितने भी उसमें मेडिसिन एरर आ रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेडिसिन है एक ही जैसी लगती है, दो मेडिसिन है ना, उनके नाम सिमिलर से हो जाते हैं लेकिन दोनों का रोल अलग अलग होता है, तो हमको एरर मेडिसिन में जो है उसको प्रिवेंट करना है बाय नोइंग द राइट डोज, राइट डोज को देखते हुए, यानी कि तुमने जितनी डोज उसमें चाहिए तुमने उससे डबल दे दी, बच्चे को कम डोज चाहिए तुमने उसे ज्यादा दे दी। तो यही सारा हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स का स्कोप रहता है, हमको राइट मेडिसिन को चूज करना है, ये देखना है मेडिसिन सेफ है या नहीं, साइड इफेक्ट्स को कम करना है, पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से देनी है, मेडिसिन कैसे वर्क कर रही है ये सब देखना है, एरर को रोकना है। तो ये क्या है, स्कोप है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, देखो स्कोप और ऑब्जेक्टिव दोनों ही सेम रहते हैं, बट पॉइंट्स को थोड़ा सा अलग करते हुए हमने ये भी लिखा हुआ है। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं हमारे, इंश्योर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्या इंश्योर करता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट है भरोसा दिलाता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, प्रमोट करता है पेशेंट की सेफ्टी, प्रमोट करता है हेल्थ आउटकम है, कोई भी बीमारी है
है ना, उससे हमें छुटकारा दिलवाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट देता है। कौन? फार्माकोथेरापेटिक्स। एजुकेट करता है पेशेंट को, पूरी तरीके से बताता है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी इससे देखने को मिलता है कि कौन सी मेडिसिन किस यूज में है। वो सब हमें कहाँ देखने को मिलेगी? फार्माकोथेरापेटिक्स के अंदर। ड्रग का पूरा कैसे ट्रीट कर रही है मेडिसिन जो है किसी भी पेशेंट को, वो होता है हमारा फार्माकोथेरापेटिक। तो इसका मेन फोकस किस पे होता है? इफेक्टिव मेडिसिन पे एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग बाय रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट्स। तो ये क्या है? फार्माकोथेरापेटिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें क्या है। ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, मैं बोलूंगी बहुत इजी है, बट कराया है तो इसको अच्छे तरीके से पूरा पढ़ो। नेक्स्ट है हमारा देखो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का सही तरीके से यूज कैसे हो सकता है। देखो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन यानी सही तरीके से मेडिसिन का यूज, मतलब कि यूज करो मेडिसिन का राइट मेडिकेशन, यानी कि 4 R आपको ध्यान रखने होते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। राइट मेडिकेशन इन द राइट डोज फॉर द राइट ड्यूरेशन, सही टाइम के लिए, टू ट्रीट द राइट कंडीशन। राइट मेडिकेशन को सही दवा को सही डोज में देना है ना, सही अमाउंट में देना, सही समय में, सही कंडीशन में, है ना, कि राइट कंडीशन, यानी कि बीमारी दूसरी है और तुमने दवा दूसरी दे दी, टाइम भी दूसरा है उसका और डोज भी अलग है, तो ऐसा नहीं करना है। एट लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन लोएस्ट कॉस्ट पे हमको ये सारा काम देखना ही क्या कहलाता है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। ठीक है, अब इसके भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हमारे क्या होते हैं। करेक्ट डायग्नोसिस, इससे हमें क्या मेन एम क्या होता है हमारा रेशनल यूज का मेडिसिन का, कि डायग्नोसिस इससे करेक्ट होगा, एकदम जो चेकअप वगैरह है वो भी अच्छे से होगा, डोजेज अच्छी रहेगी, साइड इफेक्ट कम रहेंगे। देखो फार्माकोथेरापेटिक्स के पढ़ने का मतलब ही यही है, साइड इफेक्ट्स को एकदम कम कर देना और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कम कॉस्ट में अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। तो ये क्या था? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। और इसके लिए आप देखोगे कि हमारी एक पीटीसी कमेटी रहती है, फार्माकोथेरापेटिक कमेटी के नाम से, है ना, जो सब्जेक्ट है, तो ये पीटीसी हो गई, उसके अंदर यही सारी चीजें होती है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखे तो क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की पूरी उस पर रिसर्च हुई है, ठीक है, उसके बाद पूरी फुल नॉलेज किसी भी मेडिसिन की, वो ही क्या है, उसकी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो देखो क्या पढ़ते हैं हम इसमें, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम EBM कहते हैं, ये इसको डिफाइन करते हैं किससे, प्रैक्टिस होती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के साथ बाय प्रयास करते रहना, यूजिंग बेस्ट अवेलेबल रिसर्च, जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कंबाइंड विद ए डॉक्टर्स एक्सपर्टीज। उसके अंदर कौन कौन होने चाहिए? देखो डॉक्टर्स होने चाहिए, फार्मेसिस्ट होना चाहिए, और पेशेंट प्रेफरेंसेस को हमें देखते रहना चाहिए कंबाइंड, कि इस पेशेंट के लिए ये वाली मेडिसिन सही रहेगी, इसके लिए ये ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, और टू मेक द बेस्ट ट्रीटमेंट को बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जिसपे एक प्रूफ हो कि हाँ भैया इस मेडिसिन से हमारा पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, तब जाके एक बेस्ट ट्रीटमेंट बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूजिंग द बेस्ट रिसर्च का यूज करना, और कंसिडर करो ईच पेशेंट की, हर एक पेशेंट की जरूरत को देखते हुए चलना, और डॉक्टर्स कंबाइन देयर मेडिकल नॉलेज, डॉक्टर्स क्या करते हैं अपनी मेडिकल नॉलेज को कंबाइन करते हैं पूरा रिसर्च के साथ, फॉर द बेस्ट केयर बाय फॉर गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल नॉलेज के साथ साथ रिसर्च पे भी कौन ध्यान देते हैं? डॉक्टर्स। ये नहीं कि एक ही ट्रीटमेंट आया उसी को घसीटते रहो, अरे नहीं यार, और ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो वो सब किसके अंदर आ रहा है? हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब इसके अगर स्टेप्स आते हैं आपको लिखने के लिए, तो आप उसमें रिसर्च लिख कर आओ, पेशेंट की नीड इसके अंदर बताओ अच्छे से, कि पेशेंट को जो है जो नीड है, जिस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, लाइक उसको ये मिलना चाहिए, और डॉक्टर्स अपनी नॉलेज का यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे किसी भी मेडिसिन को जो है प्रोवाइड करेंगे, मतलब मेडिसिन की पूरी प्रॉपर नॉलेज डॉक्टर्स को भी रहती है, फार्मेसिस्ट को ऑब्वियसली, तभी तो बेस्ट केयर मिलती है किसी पेशेंट को, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन दी ट्रीटमेंट, यानी कि नए नए ट्रीटमेंट जो है आते रहे, है ना, जैसे अभी देख रहे हो कैंसर के लिए भी काफी ज्यादा ट्रीटमेंट हमारे आ चुके हैं, है ना, 0 stage, फर्स्ट स्टेज इनके, तो ये क्या है, एक एडवांसमेंट ही तो हो रहा है। तो इन्हीं सब पे कौन ध्यान देता है? हमारे डॉक्टर्स, फार्मेसिस्ट, सब लोग मिलकर के इस पे पूरा काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, आपको इसी को और अच्छे से इलाबोरेट करके पूरा लिख के आना है,
बस आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। क्या है एसेंशियल? अब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो होती है वो एक लिस्ट होती है इम्पॉर्टेंट सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की, जो अवेलेबल होनी चाहिए हर किसी के पास, है ना। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक फार्मेसी में वो मेडिसिन होनी ही चाहिए जो कॉमन हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करे, जो उनका इलाज करे। तो इम्पॉर्टेंट जो सेफ कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हो वो अवेलेबल करवाना ही क्या होता है, उसी को ही हम एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं ईएमएल के अंदर हमारी कौन कौन सी जो है मेडिसिन की लिस्ट, हमने थोड़ी बहुत एग्जाम्पल के साथ बताई हुई है। तो ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में भी आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इतना ही आपको उसमें लिख के आना है। तो देखो, पेन रिलीवर जो पेन से आराम दिलवाए वो हमारा क्या है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में देखते हैं अमोक्सिसिलिन, हर केस में अमोक्सिक्लेव दी जाती है। अमोक्सिसिलिन कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो सबसे ज्यादा क्या दी जा रही है, अमोक्सिसिलिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखते हो, ईयर ड्रॉप हो, है ना, आई ड्रॉप हो, तो उसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक मिल जाएगा। वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन, ये भी होना चाहिए, एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट के अंदर आता है। एंटी मलेरियल जैसे आर्टिमीथर, लूमेफेंट्रिन, हमारा मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। इंसुलिन डायबिटीज के लिए। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होगी तो एम्लोडिपिन, इनालाप्रिल होगा। एंटी डिप्रेसेंट होगा तो फ्लोक्सिटीन आ जाएगा। एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए जिडोवुडीन है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के में हमारे रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, जो ये आप नाम देख रहे हो ना, जो आपने अगर नहीं भी सुने तो ये आपको पूरा फार्माकोलॉजी जब पढ़ लोगे तो ये सब पता चल जाएंगे, ये नाम कौन कौन से हैं, इनके बारे में प्रॉपर आप पढ़ोगे। एंटीसेप्टिक देखे, अगर माउथ वॉश अगर आप खरीद रहे हो मेडिकल स्टोर से तो देखना वहां पे आपको क्लोरहेक्सिडीन होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिल जाएगा एंटीसेप्टिक की तरह ही, देखते हो। तो ये था हमारा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। अब हम के देखते हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का, कुछ मुश्किल नहीं था, लिखा हुआ है यार बस 8 घंटे का, लेकिन तुम्हें नॉर्मल प्रॉपर जो जो पॉइंट्स हैं बस वो ही पढ़ के जाने हैं और आप उसको इलाबोरेट करके आओ। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक है, एसटीजी। अब ये क्या होता है, तो ये जो गाइडलाइंस, अब तुम्हें खुद लग रहा होगा कि प्रॉपर जो एक अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी जो फॉलो करेंगे डॉक्टर्स, है ना। तो उससे क्या होता है, कंसिस्टेंट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट में हम मदद मिलती है जब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनती हैं। वो गाइडलाइंस देखो क्या क्या होती है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल रहता है एक स्टैंडर्ड वाला, है ना, कि यानी कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का मतलब है ये सब पूरा लिखा हुआ है हमारे पास जिसको हमें फॉलो करना है, जो हमारे रेफरेंस के तौर पे होगा। तो प्रोटोकॉल ये प्रोवाइड करता है, क्लियर प्रोटोकॉल पूरा लिखा हुआ रहता है डायग्नोसिंग के लिए और ट्रीट करने के लिए कॉमन कंडीशन को। फिर उसके बाद एविडेंस बेस्ड होता है, ये गाइडलाइंस होती है जो लेटेस्ट रिसर्च और क्लिनिकल एविडेंस पे रहती है, यानी कि देखते हो क्लिनिकल ट्रायल्स कितने चलते रहते हैं मेडिसिन के ऊपर, तो प्रॉपर उनके लिए गाइडलाइंस रहती हैं, है ना, इसलिए सेफ्टी एफिकेसी के लिए ड्रग की। हर तुम ये जो जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, सबका एक ही मोटिव है, सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट तक पहुंच जाए, यानी कि मेडिसिन जो हो पेशेंट के लिए क्या हो, सेफ हो, जो इलाज हो उनका अच्छा हो, है ना, ताकि पेशेंट की रिकवरी हो जाए, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राइट डोजेज होनी चाहिए और कैसे एडमिनिस्टर करना है मेडिसिन को सेफली, वो हमें देखना है कि ओरल रूट से देना है, पैरेंटरल रूट से देना है, तो वो सब भी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट की, ये है। फिर इसके बाद सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है साइड इफेक्ट की और कैसे हमें उस साइड इफेक्ट को मैनेज करना है, अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है तो उससे कैसे बचना है, कैसे उसके लिए एंटीडोट दिए गए हैं पॉइजन्स को कम करने के लिए, साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए बॉडी में, वो सब। पेशेंट सेंटर केयर, पेशेंट के लिए हर एक पेशेंट की नीड के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, वो हो गया। उसके बाद देखते ना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आपने सुने होंगे तो वो पेशेंट की केयर के लिए ही है। अपडेट एंड रिव्यूज, रेगुलरली हमें अपडेट रहना है ताकि ऐड करें न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स को और चेंजेस लेके आए ट्रीटमेंट की प्रैक्टिसेस में, यानी एडवांसमेंट होता रहे, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हमारा चलता रहे। तो ये था क्या, किसके बारे में, पूरा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पूरा एटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है इस सब्जेक्ट का, और कैसे हम क्लिनिकल चेंजेस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और ये चैप्टर 2 ही हर पार्ट में डिवाइड है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। इससे क्या होता है यार, एक मोटिवेशन मिलती है,
है ना, कि वीडियोज जो होती है और हम तेजी से बनाते हैं, टाइम पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देख रहे हो कि लाइक सेशनल्स होने वाले हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिली, मेरे को एक टारगेट मिला कि मुझे सेशनल से पहले ये मेन मेन जो सब्जेक्ट्स हैं और चैप्टर्स हैं मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। सो थैंक यू।